क्या ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के लिए हमें पति पत्नी का संबंध छोड़ना पड़ेगा? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन मेरा ही था। मेरा क्या था, मैं तो मानता ही था, जानता ही था, समझता था कि ब्रह्मा कुमारीज में जाना माना पति पत्नी का बेड़ा कर, हमारा रिश्ता खत्म। परमात्मा की तलाश में, मुझे परमात्मा से मिलने के लिए कहा गया कि आपको ब्रह्मा कुमारीज जाना है। हमारे एक मित्र 7 डेज कोर्स करना होगा, जानता था कि पति पत्नी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा, भाई बहन बन जाएंगे। गया, अकेला गया था, बहन जी ने कहा कि वाइफ को भी साथ लेके आने का। अब मेरे तो वही भय जो आपके मन में प्रश्न है, सारी दुनिया के मन में भय है, यही भय मेरे मन में भी था। मैंने अपने वाइफ को समझाया कि देखो मेरे साथ तुम जा रहे हो, उनकी कोई बात नहीं सुननी, मैं तो पक्का रहूंगा, कहीं ये बिगड़ गई तो रिश्ता खराब हो जाएगा हमारा। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा करके वहां लेकर के गया। ना मैंने सुना, ना बहन जी ने सुना, ना वाइफ ने सुना, सिर दर्दी का। हम 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद उसका जाना बंद कर, क्योंकि बहन जी ने कहा था, तो इसलिए मुझे वो ले जाना पड़ा, क्योंकि मैं तो बहुत पक्का था कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन छोड़ना नहीं है, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे ये मतलब थोड़ा है। ना मैंने ज्ञान को सुना, परंतु परमात्मा भी नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने जाके बात किया, बोले कि भगवान कब मिलेंगे मुझे, भगवान तो मिला नहीं तुम्हारा। उसके बाद बोला कि कुछ दिन और जाओ। मैं जाता रहा, सोचता कि उनकी बहन जी कुछ ना कुछ लिख के सुना देती होंगी। फिर एक दिन परमात्मा से मिलने का मौका हुआ। बाकी डिटेल में आप मेरी जीवन कहानी में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, मैं ब्रह्मा कुमार कैसे बना शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जब परमात्मा मिले, उसके बाद मैंने इस ज्ञान को समझना शुरू किया। क्योंकि आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है वो स्वाभाविक है, परंतु उसका उत्तर भी आपको मिलना जरूरी चाहिए। पहला मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप ब्रह्मा कुमारी में जुड़ना क्यों चाहते हैं? आप अपनी जगह ठीक नहीं हो क्या? आपको ऐसी कौन सी बात ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अच्छी लग रही है जो आप यहां जोड़ना चाहते हैं? हो सकता है आपको मालूम है या नहीं है मालूम, क्योंकि सामने होते तो मैं ये प्रश्न आपसे सामने पूछता। फिर भी जैसे किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि ये कोर्स कराए जाएंगे, ये कोर्स कराया जाएगा, ये कोर्स कराया जाएगा, तो बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहां यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्यों एडमिशन दिया जाए यहां, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि वो आपके मतलब का हो तो आप यहाँ एडमिशन ले लेना, नहीं हो तो मतलब का एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, वो मैं आपको सारा समझा देता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर परमपिता परमात्मा अशरीरी अजन्मा अयोनि सर्वज्ञ सर्वोच्च सर्वधर्म मान्य परमात्मा स्वयं आकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी,
बनाने का कार्य करें। वह ध्यान से सुनो, ऐसा विश्वविद्यालय पूरी यूनिवर्सिटी में यूनिक है और कोई नहीं, जहां स्वयं परमात्मा आकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, जिसको हम कहते हैं नैतिक पतन हो गया है, पतित नैतिक पतन वालों को चरित्रवान बनाना ये परमात्मा का है। संतुष्ट बनाना, शांत बनाना, ज्ञानी तो आत्मा बनाना, सात्व गुणों से संपन्न बनाना, ये परमात्मा का कार्य है। वो कर रहे हैं आकर, परमात्मा आकर याद दिलाते हैं कि हे पद तुम ही पुकारते थे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हे भगवान आओ, पतित से पावन बनाओ, नेकी की राह पे चलाओ, बदी की राह से हटाओ। मैं आया हूं तुम्हें नेकी की राह पर चलाने के लिए, सन्मार्ग पर चलाने के लिए। श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। जो तुम्हारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा आ गया था, ज्ञान देखकर तुम्हें फिर से मैं उस मार्ग पर चलाने के लिए आया हूं। और मैं केवल एक दो हजार दस दस आत्माओं के लिए नहीं आया, मैं सारे संसार की एक एक आत्माओं के लिए आया हूं। हर आत्मा को मेरे पास पढ़ने के लिए आना है। आप परमात्मा के पास जब आप पढ़े, विचार करो, भगवान पढ़ा रहा हो, पतित से पावन बनने की ट्रेनिंग दे रहा हो, और वो जो कहे आप उसे पूरा मानेंगे तो पूरी प्राप्ति करेंगे, आधी मानेंगे तो आधी प्राप्ति करेंगे, नहीं मानेंगे तो कम प्राप्ति करेंगे, जितनी मानेंगे उतनी प्राप्ति होगी। विद्यालय है, आपको 100% प्योर बनना है तो 100% प्योर पवित्र योगी बनना होगा। आपको लगता है कि नहीं हम 70% बनेंगे तो कम थोड़ा कर लो, थोड़े विकारों को मोज कर लो। आपको लगता है कि हमें 50% बनना है तो और विकारों को मोज करो। हम आए हैं विकारों को छोड़ने के लिए। पावन बनने का मतलब यह विषय विकारों को छोड़ना, और हम विषय विकारों को जितना छोड़ेंगे उतना परसेंटेज पे बनेंगे। सीधी सी बात है, यहां कोई फोर्स नहीं है, यहां कोई डंडा नहीं है कि अब आप ब्रह्मा कुमारी में आ गए हो, अब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, पति पत्नी का रिश्ता खत्म करना होगा। नहीं, ऐसा कोई बंधन नहीं है, मत करो। कोई यहां फाइन नहीं लगता, कोई जुर्माना नहीं लगता, आने के लिए मना नहीं किया जाता, आने के लिए मना नहीं किया जाता। सुधरोगे अपने लिए, नहीं सुधरोगे अपने लिए, पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। जितना पढ़ोगे, जितना परमात्मा के डायरेक्शन पर चलोगे, उतना उच्च पद आपका मिलेगा। यहां कोई पक्षपात नहीं होता, फर्क भेद नहीं होता। यहां कोई मनुष्य पढ़ाने वाला नहीं है जो बीच का रास्ता कोई तुम्हें बता दे। यहां पढ़ाने वाला परमात्मा, और एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, जैसे टीचर क्लास के अंदर पढ़ाता है और उसके बाद कितना कोई ले उसकी मर्जी, वही टीचर होता है, वही क्लास होती है। कोई 5 नंबर लेता है, कोई 10 नंबर लेता है, कोई 70 नंबर लेता है, कोई 80 नंबर लेता है, कोई 100 नंबर लेता है, क्लास तो वही है। हर एक बच्चा अपनी मेहनत से अपने स्थान को प्राप्त करता है। अब आपको कितना चरित्रवान बनना है, कितना पावन बनना है, कितना श्रेष्ठ बनना है, वो आपका ही निर्णय है। यहां कोई जबरदस्ती नहीं होता। हमारी छोटी दोनों बिटिया बचपन से पैदा होते ही उनका ज्ञान था, सेंटर पर भी रहे,
और उसके बाद उनका भाग्य जैसा था, बोले कि हमको शादी करना है, जाओ शादी करो, यहाँ कोई मना नहीं है, जाओ, दरवाजे खुले हुए हैं। क्योंकि उन आत्माओं का अपना भाग्य है, कितना ऊंच पद पाना है ये हर आत्मा सेल्फ डिसीजन लेगी। आपको भी सेल्फ डिसीजन लेना है कि आप कितना श्रेष्ठ पावन बनना है। पर आने पर यहां कोई बताया जाएगा आपको, योगी भोगी नहीं हो सकता, उसको मानो ना मानो आपकी मर्जी है, उतने नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो या अभी स्पष्ट ना हुआ हो तो आप अपना प्रश्न अवश्य भेजिए, या आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें। जितना परमात्म ज्ञान के हिसाब से मुझे समझ में आया है वो मैं आपको देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य होगा जो मैं आपको ईश्वरीय ज्ञान से संतुष्ट कर पाऊं। मेरा मोबाइल नंबर है